हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ। मैं हूँ प्रियंका और आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस फ्रूट कस्टर्ड। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, उसमें हम डालेंगे 500 ml दूध और उसे गर्म होने देंगे। इसे अभी मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और जब तक ये दूध गर्म होता है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर की स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल, उसमें हम डालेंगे 2 teaspoons ऑफ कस्टर्ड पाउडर। और ये दूध अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें से हम थोड़ा सा दूध निकाल कर स्लरी में डाल देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध या फिर ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे दूध में ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे रखेंगे। तो ये पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 6 से 7 चम्मच यानी कि 100 grams ऑफ शुगर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देंगे और फिर इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इसे थोड़ी देर के लिए इसे बाहर रखने के बाद हम इसे 2 से 3 घंटे तक रेफ्रिजरेट करेंगे। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 cup ऑफ चॉप्ड बनाना, 1 cup ऑफ चॉप्ड चीकू यानी कि नोज़बेरी। अब हम इसमें डालेंगे 1 cup ऑफ पोमोग्रेनेट और 1 cup एप्पल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, यहाँ पे मैंने करीबन 1/2 teaspoon जितना लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा आप इसमें ग्रेप्स या फिर कीवी, मैंगो, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो हमारा सुपर क्रीमी डिलीशियस फ्रूट कस्टर्ड बनके रेडी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लव लाइफ़।